हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू इफेक्टिव रीसेट सैमसंग गैलेक्सी A15। अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A15 है और आप उसको फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि अपने सैमसंग गैलेक्सी A15 में मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। ठीक है, सेटिंग ओपन करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा। अब आपको बिल्कुल नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अबाउट फोन का, इस पर टैप करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे है रीसेट, तो रीसेट पे आपको टैप करना है। अगेन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे है फैक्ट्री डेटा रीसेट। ठीक है, तो ये वो ऑप्शन है जहाँ से हम इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फैक्ट्री डेटा रीसेट, और यहाँ पर लिखा है ऑल डेटा विल बी अरेज फ्रॉम योर फ़ोन इंक्लूडिंग योर गूगल अकाउंट सिस्टम एंड ऐप डेटा। जो कुछ यहाँ पर है सब कोई रिमूव हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि रीसेट हो जाएगा। और जो आपके व्हाट्सएप हैं, गूगल अकाउंट हैं, ट्विटर अकाउंट है, मैसेंजर है, फेसबुक, सारा कुछ और कुछ एप्लीकेशन है वो यहाँ से रीसेट हो जाएंगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे रीसेट करना है, और अगर नेक्स्ट आपसे कुछ वेरीफाई करे तो आपको वेरीफाई करना है, या सिंपली अगर रीसेट पे क्लिक करें तो आपका जो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A15 वो यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और आपका तमाम डेटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन से आप इसको डेटा रीसेट कर सकते हैं, यानी कि फैक्ट्री डेटा रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए और किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।